नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे डीआर इंडियन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है जिसके पास प्राचीन काल का नोट है या सिक्का है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि जो प्राचीन काल का जो नोट और सिक्का है वो बहुत ही रेयर और यूनिक होते हैं, साथ ही वो कोमल भी होते हैं। इसीलिए दोस्तों, उनकी रेट है वो आपको पता नहीं है और आप सस्ते में ही बेच देते हैं। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ कि इस प्राचीन काल के जो नोट और सिक्कों को कौन खरीद रहा है और आपको कितनी कीमत मिल सकती है और आपको कैसे बेचना है, वो आपको पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बता दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अमेजान जो कंपनी है वो ऑनलाइन बिजनेस करती है। आपको पता भी हो, कोई भी आप प्रोडक्ट्स मंगाओगे तो आपको अमेजान कंपनी पे आपको घर पर ही मिल जाता है, क्योंकि वो ऑनलाइन बिजनेस करती है। इसीलिए दोस्तों, इन्होंने भी ये अब बिजनेस शुरू कर दिया है। जो प्राचीन काल का जो नोट और सिक्का है वो आपको डायरेक्टली ख़रीदना चाहती है और आपके घर से ही जो नोट और सिक्के हैं वो सारे खरीद लिए जाएंगे और आपको जो वाजबी पैसे है जो देना चाहती है वो पूरा पैसा देगी। लेकिन जो कलेक्टर और बायर होते हैं वो आपको कम पैसा दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली जो आपको पता ही है जो ऑनलाइन बिजनेस होता है उसमें आपको कहीं भी धोखा नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, आपको अमेजॉन पर बेचना है तो आपको पैसा ज़्यादा मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों, अमेजॉन जो कंपनी है इन्होंने कौन सा नोट और सिक्का खरीदने की हमारे से डिमांड की है वो इस वीडियो में आपको सारा बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी प्राचीन काल का नोट और सिक्का है वो फालतू में पड़े हैं तो आप इसको फालतू न समझें, क्योंकि जो भी नोट और सिक्के हैं वो बहुत ही रेयर और यूनिक होते हैं और उनकी आपको कीमत भी बहुत अच्छी मिल रही है और आपको डायरेक्टली घर से ही खरीद लिए जाएगी। इसीलिए दोस्तों, आपके पास भी नोट और सिक्का है तो आप उसको कैसे बेचना है वो इस वीडियो में आपको पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी और साथ ही आपको कैसे बेचना है और आपको कितनी रेट मिल सकती है वो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इन्होंने कौन सा नोट और सिक्का ख़रीदने का लक्ष्य रखा है वो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 1 रुपये वाला जो नोट देख सकते हैं जिसके ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है। दोस्तों, सभी नोट और सिक्के है वो रिज़र्व बैंक जारी करती है, लेकिन मात्र एक ऐसा नोट है जिसको आप 1 रुपया बोल सकते हैं। ये भारतीय करेंसी है जो भारत सरकार इस 1 रुपये के नोट को ही जारी करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन बाकी जो भी सिक्का हो या नोट हो उसको रिज़र्व बैंक जारी करती है। दोस्तों, अगर आपके पास 1 रुपये का नोट है तो इन्होंने इसका ख़रीदने का लक्ष्य भी रखा है और इसकी आपको कितनी कीमत मिल सकती है वो वीडियो के अंदर बता दी जाएगी, और अगर आपके पास है तो आपको कैसे बेचना है वो पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी। तो दोस्तों, उन्होंने जी आप अगर एग्रीकल्चर वाला 100 रुपये का नोट बोल सकते हैं। दोस्तों, गांधी सीरियल वाला भी नोट होता है और एग्रीकल्चर वाला नोट होता है। ये आप देखोगे तो एग्रीकल्चर वाला नोट है और आप यहाँ देखोगे तो एग्रीकल्चर वाला नोट की खासियत दोस्तों ये होती है, जिसके आप पीछे आप देखोगे तो कुछ औरतें हैं वो खेत के अंदर काम करती दिखाई देगी, उस नोट को एग्रीकल्चर वाला नोट बोला जाता है। यहाँ आप देखोगे तो वाइट कपड़ों के अंदर औरतें खेत के अंदर काम कर रही है। दोस्तों, ये नोट है तो भी आप बेच सकते हैं। और दोस्तों, आप 10 रुपये वाला जो कॉइन देख सकते हैं जिसको आप दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार भी मना कर देता है कि इन सिक्कों का अब चलन नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये सिक्का आपको कितनी कीमत दिला सकता है वो भी आपको पता नहीं है। दोस्तों, ये अगर 10 रुपये का कॉइन है, ये 10 लाइनें वाला कॉइन है, तो आपको इसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपये आसानी से मिल सकता है। दोस्तों, ये सिक्का जो आप देख सकते हैं ऐसा ही होना चाहिए। इस सिक्के में खासियत क्या है दोस्तों, ये 10 लाइन है और यहाँ आप 10 रुपये के नीचे एक मिंट मार्क लगा हुआ है, वो मिंट मार्क ही इस सिक्के को यूनिक बनाती है और इसीलिए दोस्तों इसकी भी इन्होंने मांग की है और आपके पास है तो आप बेच सकते हैं। दोस्तों, और आप देख सकते हैं दोस्तों, गांधी सीरी वाला नहीं है। दोस्तों, ये गांधी सीरी वाला भी कॉइन होता है जिसके ऊपर गांधी जी का फोटो होता है, लेकिन आप देख सकें बीजू पटनायक जन्म शताब्दी इस कॉइन को जारी किया था। ऐसा ही डिटको कॉइन है, इसको रेयर कॉइन भी बोल सकते हैं और यूनिक भी बोल सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कॉइन है तो भी आप बेच सकते हैं, इन्होंने इसकी भी मांग की है। और दोस्तों, आप हाफ आना देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया ने जारी किया था जिस टाइम भारत पे अंग्रेज़ों का राज था, उस टाइम ईस्ट इंडिया ने इस सिक्के को जारी किया था।
इसका सन भी आप देख सकते हैं 1800 कुछ ऊपर इसका सन हो सकता है। अगर आपके पास ऐसा ही रेयर और यूनिक इस डिज़ाइन का बना हुआ कॉइन है, ये प्योर तांबे से बना हुआ है ऐसा कॉइन है, तो भी इन्होंने इसकी भी मांग रखी है। तो दोस्तों मैंने सारे नोट और सिक्के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपके पास है तो आप बेच सकते हैं। इसकी सारी मैं डिटेल आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इन्होंने कौन सा नोट और सिक्का खरीदने का लक्ष्य रखा है वो इस वीडियो में बताने वाला। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डीआर इंडियन यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा आपके फायदे की वीडियो हम लेके आते हैं। जैसे ही नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा, उसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके पास कौन सा प्राचीन काल का नोट है और कौन सा सिक्का है। जो भी प्राचीन काल का नोट और सिक्का वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, क्योंकि हम आपसे जल्दी ही संपर्क कर लेंगे और आप उस प्रोसेस के माध्यम से भी सारे नोट और सिक्कों को बेच सकोगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बिरजू पटनायक शताब्दी का आप कॉइन देख सकते हैं, बहुत ही रेयर है। आप इस कॉइन को देखोगे तो यहाँ आप देखोगे हिंदी में लिखा हुआ होना चाहिए और यहाँ इंग्लिश में भी होना चाहिए, और यहाँ आप देखोगे तो इसका सन भी होना चाहिए 1916 में इसका जन्म शताब्दी का ये बना हुआ है। अगर आपके पास भी ऐसा रेयर और यूनिक कॉइन है, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर जो मिंट मार्क देख सकते हैं, दो पॉइंट दिए हुए हैं, इसको ऊपर पॉइंट भी बोल सकते हैं और मिंट मार्क भी बोल सकते हैं। अगर दो पॉइंट वाले डिटको कॉइन है तो आपको इसकी कीमत है वो 2,00,000 रुपये आसानी से मिल सकती है, क्योंकि ऐसे सिक्के बहुत ही कम हैं, इन सिक्कों को बहुत ही अच्छी डिमांड है और ये खरीदने चाहती है। तो चलिए दोस्तों आगे वाले कॉइन की बात कर लेता हूँ। बिरजू पटनायक की मैं आपने कॉइन बता दिया, ये कॉइन है तो भी आप कमेंट करके भी बेच सकते हैं, और जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उस प्रोसेस के माध्यम से आप डायरेक्ट की भी अमेजोन को बेच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे वाले कॉइन की बात कर लेते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं ये प्रेक्टर वर्ष के ऊपर जारी किए हुए सिक्का है। इसकी आप देखोगे तो खासियत है कि इसके ऊपर एक चिड़िया का फोटो है, और यहाँ आप नीचे देखोगे तो इसका सन भी दिया हुआ है, और यहाँ उसका आप देखोगे तो एक नीचे छोटा सा बिंदु है, इसको मिंट मार्क भी आप बोल सकते हैं। दोस्तों आप अगर ऐसा रेयर और यूनिक डिटको कॉइन है तो आपको इसकी कीमत है वो 1,00,000 रुपये आसानी से मिल सकती है, क्योंकि ऐसे सिक्के बहुत ही कम हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आपके पास है तो आप बेच सकते हैं। ये प्रेक्टर वर्ष के वर्ष पर इस सिक्के को जारी किया था, जब बाहर के लोग अंग्रेज़ भारत के अंदर घूमने के लिए आते हैं तो वो इन सिक्कों को पसंद करते, और इसीलिए इस सिक्के की डिमांड भी ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों ये सिक्का है तो भी आप कमेंट करके बेच सकते। तो चलिए दोस्तों आगे वाले कॉइन की बात कर लेते हैं। दोस्तों 1 रुपये का कॉइन है, यहाँ आप देखोगे तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और यहाँ अशोक स्तंभ का फोटो भी है, और यहाँ भारत और रुपया लिखा हुआ है, और नीचे 1 रुपये भी लिखा हुआ है, और यहाँ इंडिया और रुपया लिखा हुआ है। अगर ऐसा रेयर और यूनिक डिटको कॉइन है तो आपको इसकी कीमत है वो 50,000 आसानी से मिल सकती है। दोस्तों ये कॉइन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने सारे नोट और सिक्के बताए, अगर आपके पास है और आप बेचने चाहते, ऐसे बहुत सारे नोट और सिक्के हैं, मैंने इसमें वीडियो लंबा बन जाएगा इसीलिए कम ही बताएं। अगर आपके पास और भी नोट और सिक्के वो आप सारा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी नोट और सिक्का आप बताओगे तो हम आपसे जल्दी संपर्क कर लेंगे और सारे नोट और सिक्के आपसे खरीद लिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वो प्रोसेस भी जान लेते। तो फ्रेंड्स आपके पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए और बदले में आपके बैंक खाते में पैसे लेने के लिए सबसे पहले आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ये इस वीडियो का टाइटल है, और इस टाइटल के आगे जो छोटा सा एक तीर का निशान दिखाई दे रहा है आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आप एक लिंक देख सकते हैं सबमिट योर नंबर, आपको सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। लिंक के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल टू सी मोर, आपको यहाँ पर क्लिक करके एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में ओपन हो जाएगी, आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। यहीं पर आपको नंबर देने हैं और यहीं पर आपको अपने नोट और सिक्कों की फोटो भेजनी है, इसीलिए आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। इसके बाद में इंस्टॉल करने के बाद में आपको ये एप्लीकेशन खोल लेनी है। खोलने के बाद में आपके सामने इस एप्लीकेशन का इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक वीडियो चलेगी, आपको इस वीडियो को काट देना है। आपको यहाँ पर मैसेज आएगा आपको 50 रुपये मिले हैं, नीचे ओके का जो निशान है आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा मैसेज आएगा, यहाँ पर आपको जारी रखें पर क्लिक कर देना है।
जारी रखने पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपने फोन नंबर डाल देने हैं जो आपके फोन में हैं। अगर आप पहले भी ये प्रोसेस कर चुके हैं तो नए नंबर से कीजिए, क्योंकि पिछली बार हमें नंबर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि कभी कभी इसके नंबर होते हैं जो आपके स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फोन नंबर डालने के बाद में यहाँ पर फोन के साथ लॉग इन करें पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स आप जैसे ही यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर डालेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार से एक मैसेज आएगा। यहाँ पर आपको OTP डालना होगा, जो 4 अंक का होगा, जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर डालकर यहाँ पर जो आगे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से OTP डालने के बाद में यहाँ पर आगे मतलब नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपको यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और फ्रेंड्स यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर है जो हमारे पास आ जाएंगे। और हो सकता है जहाँ तक आप अपना एक छोटा सा यहाँ पर नोट और सिक्कों का जो वीडियो होता है वो आप बनाकर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों यही थी प्रोसेस, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी आपके नोट और सिक्के बिक पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।